हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं देखने जा रहा हूँ ये जो इंजन ऑयल चेंज करने के बावजूद जल्दी जल्दी इंजन ऑयल ब्लैक कलर हो जाता है, क्यों हो जाता है। देखिए उसके लिए एक उपाय भी है दोस्तों। देखिए ये इंजन क्लीन करने का शैम्पू है। ये शैम्पू डालने से इंजन के अंदर क्लीन हो जाता है दोस्तों। पार्टी ने बोलता है मेरा इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर चला है, उसके बावजूद मेरा इंजन ऑयल इतना ब्लैक कलर हो रहा है, क्यों दोस्तों। पहले बार पार्टी ने 3000-4000 किलोमीटर इंजन ऑयल उस टाइम चेंज किया है। इस तरह एक एक करके इंजन के अंदर टोटली ब्लैक हो जाता है दोस्तों। इसलिए इंजन को शैम्पू के जरिए से क्लीन करना जरूरी है दोस्तों। अभी इंजन किस तरह ब्लैक होता है वो आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो ब्लैक आप देख पा रहे हैं, इसी तरह पूरा ब्लैक हो जाता है। पहले इस तरह इंजन के अंदर ये जो ब्लैक देख पा रहे हैं, इस तरह ब्लैक नहीं रहता है दोस्तों। इंजन के अंदर टोटली इस तरह ये साइड आप देख पा रहे हैं, इस तरह ये टोटली रहता है। अभी इंजन ऑयल और टाइम टू टाइम चेंज किया नहीं, इसलिए इसका अंदर इस तरह हो गया दोस्तों। इसलिए इसको ये शैम्पू के जरिए से इसको क्लीन करना जरूरी है दोस्तों। आइए अभी कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, किस तरह से इसका अंदर क्लीन होता है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये शैम्पू 300 ml, इसका कीमत भी 400 रुपीज़ है दोस्तों। अभी मेरे को एक इंजन में आधा डालना है, 150 ml डालना है दोस्तों। 150 ml डाल के क्या करना है अभी मैं डाल के आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों, पहले इसको खोलना है, इसको खोल के जो शैम्पू है देखिए दोस्तों, मैंने आधा ही डालने वाला हूँ। देखिए मेरा आधा हो गया दोस्तों। अभी इसको फिर से इस तरह कैप को टाइट करना चाहिए। टाइट करके आपको क्या करना है, इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके टाइट में करके आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइट हो गया। अभी आपको इंजन को 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके रखना है। देखिए मैंने इसको इसी तरह 10 मिनट रखने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों इसी तरह 10 मिनट रखिए, रखने के बाद इंजन ऑयल को पूरा क्लीन कीजिए। मेरा ए बाइक का फिल्टर नहीं है, डिस्कवर बाइक आता है उस बाइक में फिल्टर दिया हुआ रहता है दोस्तों, वो फिल्टर भी चेंज कीजिए दोस्तों इंजन ऑयल चेंज करने के टाइम। अभी ये 10 मिनट मेरा होने ही वाला है। अभी इसको ड्रेन इंजन ऑयल ड्रेन करके आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 10 मिनट हो गया। अभी मैं इस बाइक को बंद करके इंजन ऑयल को ड्रेन करने वाला हूँ। आइए ड्रेन करो। देखिए दोस्तों, अभी इंजन ऑयल बाहर ही आने वाला है। देखिए कितना ब्लैक था इंजन ऑयल, आपको पता ही चल रहा है। देखिए दोस्तों, अभी शैम्पू के जरिए से एक क्लीन होने वाला है दोस्तों। टोटली क्लीन होने के बाद यहाँ से एयर प्रेशर डालिए, उसके बाद थोड़ा भी रहेगा तो वो भी बाहर आएगा दोस्तों। उसके बाद नया इंजन ऑयल डालिए दोस्तों। ये देखिए, ये दूसरा इंजन है, मैंने सुपर स्प्लेंडर में इंजन शैम्पू डाला था। देखिए ये पहले आपको देखा है, इस तरह ब्लैक कलर हो जाता है और इंजन ऑयल ड्रेन करने टाइम पूरा ही ब्लैक आता है।
दोस्तों एक बार शैम्पू डालने के बाद और खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपका इंजन क्लीन हो किस तरह हुआ है। फिर से दूसरा टाइम इंजन ऑयल चेंज करने से ही आपको पता चलेगा आपका इंजन कितना क्लीन हुआ था दोस्तों। और देखने के लिए वो पैकिंग वगैरह थोड़ा काट जाता है, इसलिए यही प्रॉब्लम है, और नहीं तो आप खोल के देख भी सकते हो दोस्तों। मैंने जो जानकारी आपको बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।